की तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं, ताजा तस्वीरें सूरत में। केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं निकाय चुनाव में जीत के बाद, ये रोड शो अरविंद केजरीवाल का। देखिए ये निकाय चुनाव थे, शहरों के निकाय चुनाव थे और निकाय चुनाव में ये छोटी सी जीत उन्हें मिली है, लेकिन वो इसे दरवाजा मान रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव का। और सबसे बड़ी बात इसमें निकल कर ये आई है कि कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है, और चाहे दिल्ली हो या फिर गुजरात, एक बात देखने में आई है कि जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है वहां कई जगह है जहां आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है। तो इस वक्त ये तस्वीरें गुजरात की हैं, और ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पर अरविंद केजरीवाल कि गुजरात में ये रोड शो कर रहे हैं, निकाय चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई है कुछ सीट्स पर, हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है, लेकिन कुछ सीटों को लेकर केजरीवाल अब एक बड़ा सपना देख रहे हैं, एक और राज्य में आम आदमी पार्टी का झाड़ू लहराने का। हालांकि पंजाब में भी उन्होंने ये सपना देखा था, पूरी तरह से वहाँ पूरा हुआ नहीं, विधानसभा चुनाव में भी नहीं हुआ, और उस तरह से लोकसभा चुनाव में भी उन्हें वो वाली बढ़त नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन यहाँ पर एक बार ये पूरा आम आदमी पार्टी का काफिला, अरविंद केजरीवाल आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी भीड़ उन्होंने सूरत में जुटा ली है। तो देखिए अरविंद केजरीवाल चुनाव चाहे कोई भी हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, जीत के बाद बड़े उत्साहित नजर आते हैं और कॉन्फिडेंस का जो लेवल अरविंद केजरीवाल का वो बड़ा हाई हो जाता है। और दिल्ली में भी आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद चाहे पंजाब हो, बिहार हो, इन तमाम राज्यों में अपनी जमीन तलाशते नजर आए थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन नतीजे बिल्कुल विपरीत सामने आए थे। और एक बार फिर अब निकाय चुनाव में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल और तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी सूरत की सड़कों पर हैं, और सूरत में भी जमीन तलाशते नजर आ रहे हैं अपनी। दोस्तों, गुजरात के लोगों ने कमाल कर दिया इस बार, और खासकर सूरत के लोगों ने और ज्यादा बड़ा कमाल कर दिया। पूरे गुजरात में नहीं, पूरे देश में आप लोगों की चर्चा हो रही है, पूरे देश में लोग कह रहे हैं ये सूरत में क्या हो गया। आप लोगों ने जो आम आदमी पार्टी पे इतना बड़ा विश्वास किया, इतना समर्थन किया, मैं तहे दिल से आज गुजरात के लोगों का धन्यवाद करने के लिए आया हूँ, मैं सूरत के लोगों का धन्यवाद करने के लिए आया हूँ, और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि आपने आम आदमी पार्टी के जिन लोगों को चुन के भेजा है, आपने उन पे जो विश्वास किया है, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपका विश्वास पूरा करेंगे। आप लोगों ने गुजरात में निकाय चुनाव थे, छह महानगरों में ये निकाय चुनाव थे, और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो सूरत में उन्होंने 17 सीटें जीती हैं, सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, कांग्रेस का सुपड़ा यहां साफ हो गया। हार्दिक पटेल जो कि पाटीदारों का एक गढ़ माना जाता है पूरा इलाका सूरत में, हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा करिश्मा नहीं दिखा पाए थे, और इस बार तो खत्म ही हो गया पूरा मामला। सूरत जो डायमंड सिटी के तौर पर भी जाना जाता है, और यहां आम आदमी पार्टी 17 सीटों पर जीती है, 27 सीटों पर पूरे छह निकाय चुनाव में जीती है।